अस्सलाम वालेकुम। ताबानी पंजवानी ग्रुप के साथ मॉर्निंग ब्रीफिंग लेकर मैं मोहम्मदी पंजवानी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। सुबह बखैर। आज बरोज 14 मार्च पीर का दिन है, ट्रेडिंग का हम देखेंगे तो पहला दिन है। सबसे पहली न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान ने डिमांड किया है इंडिया से कि जो अभी मिस हैप हुआ है इंडिया की तरफ से, टेक्निकल मेल फंक्शन हुआ है, ब्राह्मोस मिज़ाइल जो है वो फायर किया गया था पाकिस्तानी हदूद तक, मियाँ चुन्नू में जो है ये वाकया पेश आया है। तो पाकिस्तान ने डिमांड किया है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन का और पाकिस्तान ने चंद सवालात रखे हैं कि किस तरह से ये पूरा जो निज़ाम है इंडिया का वो फेल हुआ, इंडिया की जो मिलिट्री है उसमें बरवक्त आगाही क्यों नहीं दी कि ये मिसहैप हुआ है। 9 मार्च शाम को 6:50 पर बुध के दिन ये जो है वाकया पेश आया जिसपे बरवक्त कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इस मिज़ाइल को मार गिराया है और कोई कैजुअल्टीज़ नहीं हुई है। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे सानिया है जिसके पाकिस्तान ने फॉरेन मिनिस्ट्री ने काफ़ी ज़्यादा मजम्मत की है इंडिया से, और इंडिया से ये मुतालबा किया है कि इस चीज़ का जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सेकंड न्यूज़ इस मुताबिक है, सेकंड न्यूज़ में अगर हम देखें तो फिंच इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी ने रशिया के 28 कंपनियों को, नेचुरल रिसोर्सेज कंपनियों को डाउनग्रेड किया है, बी कैटेगरी से डबल सी कैटेगरी पे लेकर आए हैं। हालिया तनाज़ा जो चल रहा है रशिया पे, काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेंक्शन का सामना करना पड़ रहा है रशिया को, जिस वजह से फिंच इंटरनेशनल ने ये रेटिंग निकाली है। रशिया जो है वो दुनिया का 10वां बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है जो रोज़ाना की बुनियाद पे 11 मिलियन बैरल जो है वो प्रोड्यूस करता है, जिसमें से 4.7 मिलियन बैरल जो है वो एक्सपोर्ट करता है। तो इस तरह की रेटिंग से, सेंक्शन से लग ये रहा है कि क्रूड ऑयल के मामला दोबारा ऊपर जा सकते हैं, क्रूड ऑयल जो है वो नया हाई बना सकता है। अगर 4.7 मिलियन बैरल की शॉर्टफॉल हो जाती है तो क्रूड ऑयल की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसके रेट जो है वो सर्ज करेंगे। तो इस तरह के थोड़े बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं। रिचर्ड पे कोल प्राइस का डेटा इस मुताबिक है, $389 चल रहा है, इसने $5.60 गेन किया है। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो 1.50% गेन किया है। WTI क्रूड ऑयल का डेटा इस मुताबिक है, $109.20 फी बैरल चल रहा है, इसने गेन किया है $3.18 गेन किया है। परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो 3% गेन किया है। टेक्निकल डे रेंज इस मुताबिक है, टेक्निकल डे रेंज के हिसाब से हम अगर हम देखें तो सपोर्ट 43,125 पर है। आर्ली चार्ट पे अगर रेजिस्टेंस देखें तो 43,894 पर है। PPDP डेटा इस मुताबिक है, टोटल 5 बायर है जिनमें बैंक्स, कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, अथोराइजेशन, ओवरसीज पाकिस्तानी। सेलर में अगर हम देखें तो 5 सेलर हैं जिनमें ब्रोकर्स, फॉरेन कॉर्पोरेट, फॉरेन इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड्स। इंडेक्स वैल्यूएशन इस मुताबिक है, मार्केट का करंट इंडेक्स 43,653 पर है, मार्केट ने 200 पॉइंट लूज किए हैं, मार्केट की पिछली क्लोजिंग 43,853 पर थी। टोटल 25 करोड़ शेयर का काम हुआ है जिसमें 17 करोड़ शेयर सेटल हुए हैं। सेटलमेंट का परसेंटेज अगर हम देखें तो 71.13% है। पी रेशियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 4.53 का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7.45 खरब रुपए की है, इजाफा 110 कंपनी में हुआ है, गिरावट का शिकार 205 कंपनी है जबकि बरकरार 17 कंपनी है। एक साल का रिटर्न अगर हम देखें तो 2.4% है, अब तक का रिटर्न अगर हम देखें तो -2.11% है। डे रेंज मुताबिक है, मार्केट ने नीचे 43,596 का लो बनाया जबकि ऊपर 43,966 का हाई बनाया। बाउन हफ्तों का रेंज मुताबिक है, मार्केट ने नीचे 42,688 का लो बनाया जबकि ऊपर 48,981 का हाई बनाया। मार्केट का पहला सपोर्ट 43,125 पर है जबकि दूसरा सपोर्ट 42,046 पर है। रेजिस्टेंस जहाँ से सप्लाई आ सकती है, मार्केट का पहला रेजिस्टेंस 43,832 पर है जबकि दूसरा रेजिस्टेंस 44,836 पर है। CSF कैश सेल फ्यूचर डेटा वो सिर्फ जिनमें फ्यूचर में ज़्यादा काम हुआ है, 11 कंपनियाँ ऐसी हैं इसमें से 3 हाई 3 मॉडरेट। MFS मार्जिन फाइनेंसिंग सिस्टम इन हाउस बदला लोकल जबान में, 13 कंपनियाँ ऐसी हैं जिनमें ज़्यादा बदला खड़ा है इसमें से 2 एक्सट्रीम। MTS मार्जिन ट्रेडिंग सिस्टम नेस्ले ट्रेडिंग का बदला, 14 कंपनियाँ ऐसी हैं जिनमें ज़्यादा बदला खड़ा है इसमें से 2 एक्सट्रीम 1 मॉडरेट। लो सेल स्क्रिप्ट वो स्क्रिप्ट जिनकी सेटलमेंट कम हुई है, 21 कंपनियाँ ऐसी हैं इसमें से 2 हाई 1 मॉडरेट। टेक्निकल हाई लो का डेटा इस मुताबिक है, टोटल 1 कंपनी है जो टेक्निकली ओवरबॉट है, इसके बरक्स अगर हम देखें तो 10 कंपनी है जो टेक्निकली डिस्काउंटेड है। ये था मार्केट का करंट डेटा स्टॉक मार्केट से मुताबिक। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए जुड़े रहिए ताबानी पंजवानी ग्रुप के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट से आगाह करें। शुक्रिया।